माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी नेता सम्मान्य देवेंद्र जी, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे स्थानीय आमदार श्री योगेश सागर जी, श्री प्रशांत ठाकुर जी, श्री महेश बाल्दी जी, सम्मान्य पूर्व खासदार श्री रामशेठ ठाकुर जी, आमदार रविशेठ पाटिल जी, जिलाध्यक्ष जी, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी श्री राज पुरोहित जी, संजय उपाध्याय जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, भाई और बहनों, रायगढ़ जिले में आकर सब लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंद स्वराज की प्रेरणा भी पाते हैं। और आज एक विशेष दिन भी है कि भारतीय जनता पार्टी जिनके विचारों पर चलती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती का अवसर भी है। और इस अवसर पर आपके द्वारा जो आज सेवा समर्पण का कार्यक्रम किया गया है, ये इस बात को दर्शाता है कि 70 साल के भारत की इस लोकतांत्रिक राजनीति प्रणाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर सबसे बड़ी देन है तो उन्होंने राजनीति को शासन से निकालकर सेवा के अवसर के रूप में बदल दिया। और ये इसलिए बदला है कि जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं। और उसी का परिणाम रहा कि 2014 से 2019 के बीच में जो भी योजनाएं उन्होंने अपने हाथ में ली, आज बहुत सारे लाभार्थियों का परिचय हुआ। किसी को प्रधानमंत्री आवास मिला है, किसी को उज्ज्वला योजना, किसी को किसान सम्मान निधि योजना पहुंची है, किसी के गांव में बिजली पहुंची है। आज से पहले जब एक लगातार देश में कांग्रेस का राज रहता था तो योजना पहुंचने में एक समय लगता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के शासन काल में टारगेटेड डिलीवरी और लास्ट माइल डिलीवरी, ये दो बहुत बड़े अचीवमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपने शासन काल में हासिल किए। और उसका परिणाम हुआ कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जनता के आशीर्वाद से 2014 से भी ज्यादा वोटों से और संसद में सीटों से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली और आपका आशीर्वाद वापस से दोबारा शासन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ। और इस दूसरे शासन काल में जो सबसे बड़ी चुनौती, जो केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हुई, वो कोविड की चुनौती थी। कोई और शासन काल होता तो कोविड के समय में 125 करोड़ लोगों के अनुशासन को कायम रखना, लेकिन उससे भी बड़ी बात प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई कि भारत दुनिया के उन चुनिंदा 5 देशों में शामिल हुआ जिन्होंने कोविड से लड़ने की वैक्सीन डेवलप करी और 75 करोड़ लोगों तक आज वैक्सीनेशन के लाभ को हम पहुंचा पा रहे हैं। पिछले साल इसी समय बिहार के विधानसभा चुनाव थे, माननीय देवेंद्र जी हमारे प्रभारी के नाते आए थे, पार्टी का घोषणा पत्र हमने लागू किया था, उस समय बिहार का चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, देवेंद्र जी, निर्मला सीतारमन जी वहां पे थे, कि हम सबको फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना, लेकिन आज बिहार नहीं, पूरे देश में जो वैक्सीनेशन है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर गरीब तक, पूरे देशवासियों तक किया गया। ये राजनीति के उस संकल्प को दर्शाता है जहां पर राजनीति शासन के लिए नहीं, सेवा के लिए की जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल के शासन काल में अपनी राजनीति को
देश के हित में जब जरूरत पड़ी उस हिसाब से देश के हित में किया है। जब इमरजेंसी आई तो यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने अपना अस्तित्व जनसंघ के रूप में समाप्त करके देश को बचाने के लिए जनता पार्टी में अपने को समाहित किया। और उसके बाद 1980 में जो आज भारतीय जनता पार्टी देश में भारत की राजनीति की केंद्र में प्रमुख स्थान रख रही है, उस भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक रूप से भी अगर जन्म होकर के ये कहा गया कि सूरज भी निकलेगा और कमल भी खिलेगा, वो अगर जगह कहीं थी तो महाराष्ट्र, मुंबई और इसी धरती से वो संकल्प निकला था जिसको आज हमने पूरा किया। और पिछले 5 सालों के शासनकाल में जब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार चली थी, तो जितना किसानों के हित का काम, जितना गरीबों के हित का काम और जितना महाराष्ट्र के में उद्योगों के विकास का काम हुआ, वो महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में भी अभूतपूर्व रहा। और मैं ये विश्वास करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अभी हमारे विधायक बालदी जी कह रहे थे कि, महेश जी कह रहे थे कि अगली बार रायगढ़ में 7 के 7 विधायक आएंगे। रायगढ़ में नहीं, पूरे महाराष्ट्र की यह स्थिति हो गई है, लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन माने क्या हो। भारतीय जनता पार्टी के शासन का अर्थ है कि दीनदयाल जी के विचारों से प्रेरणा लेकर गरीब का कल्याण किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के शासन का अर्थ है कि शासन में हम शासक नहीं सेवा का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया जाए। और आज हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में कोविड की इस महामारी में पार्टी ने पूरी तरीके से सेवा का काम किया है। और आज ये जो पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी के 17 सितंबर को जो जन्मदिन था और उसके बाद 7 अक्टूबर को उन्होंने जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शासन संभाला था, आज उसके 20 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन वो 20 सालों के अंदर हमने देश की राजनीति को बदला है, हमने देश में राजनीति के मिजाज को बदला है। 20 साल में आज हर राजनीतिक दल लोगों के बीच में जाता है तो क्या शासन में किया है, क्या गवर्नेंस में किया है, उसके हिसाब किताब को लेकर के जाता है। और अगर गवर्नेंस का हिसाब किताब किसी ने लोगों में बीच में पहुंचाने का अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और इसलिए सेवा और समर्पण के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो यहाँ भी स्थानीय स्तर पर काम हुए, चाहे हमारे यहाँ के प्रमुख हमारे नेता रामसेठ ठाकुर जी के नेतृत्व में एक लंबे समय से सेवा का काम किया हो, लोगों की सेवा की गई हो, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर वैक्सीनेशन से लेकर के लोगों को कोरोना काल में भी सहायता सामग्री उपलब्ध कराने का काम किया हो, ये काम भारतीय जनता पार्टी आज देश के कोने कोने में कर रही है। लेकिन शासन में रहते हुए भी पार्टी ने जो सेवा का संकल्प किया है उसको लगातार अगर आगे बढ़ाने का कोई एक दिन है जो हमको अपने मन में भी पवित्र होने के लिए प्रेरित करता है तो वह आज का ही दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का दिन है। मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो कुछ विषय भी हमारे स्थानीय विधायक प्रशांत ठाकुर जी और महेश जी के द्वारा किए गए हैं। देवेंद्र जी ने सही कहा है, दोनों अपने आप में बहुत सक्षम है, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर हूँ, अगर प्रशांत जी ने जो रेलवे का विषय कहा था, निश्चित रूप से वो रेलवे का विषय हमारे पूर्व अध्यक्ष महाराष्ट्र के अभी रेल मंत्री के नाते भी हैं, वो आपके काम को जल्दी पूरा करेंगे। जो दूसरा विषय पर्यावरण को लेकर के जो गणेश जी की मूर्ति का विषय है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे CPCB के द्वारा कुछ नॉर्म्स हैं, अगर आपको सेंट्रल CPCB से कोई बात है तो निश्चित रूप से महेश जी आप आइए, कभी भी आइए, आपका स्वागत है, जो हमारी तरफ से बातचीत होगी उसको पूरा करने का काम करेंगे। जहाँ तक NHI का Phase 1 और Phase 2 की बात आप कह रहे हैं, हम लोगों ने एक व्यवस्था शुरू करी है कि देश में एनवायरमेंट और जो क्लियरेंस के काम है सबको दिल्ली ना आना पड़े। देश भर में हमने 19 IRO इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से खोले हैं
आपके जब आप कहेंगे उसकी मीटिंग हम आपकी मुंबई में ही करा देंगे, दिल्ली आने की आपको आवश्यकता ही नहीं रहेगी, ताकि आपके काम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तीसरा जो विषय माथेरान का विषय है, जो हमारा जो फॉरेस्ट होता है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है वो फॉरेस्ट के संबंध में केवल क्लियरेंस देती है, लेकिन फॉरेस्ट को जो मेंटेन करने का काम है वो स्थानीय राज्य सरकार का होता है। मेरा यह कहना है कि आप ये पहले पता कर लीजिए कि आपकी राज्य सरकार ने उसका प्लान बनाया या नहीं बनाया है। अगर राज्य सरकार प्लान बनाती है, चाहे फॉरेस्ट के विषय में हो चाहे वाइल्ड लाइफ के विषय में हो, उसको राज्य सरकार का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, राज्य सरकार का जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, वो उस प्रस्ताव को जब भेजता है तो उसकी समीक्षा केंद्र के द्वारा की जाती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि दुनिया भर में इस समय जो सबसे बड़ा विषय है वो जलवायु परिवर्तन का विषय है, और जलवायु परिवर्तन के इस विषय में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की भूमिका दुनिया भर में बहुत महत्वपूर्ण रही है। हम जानते हैं कि सत्ता में आने के बाद उनके नेतृत्व में पेरिस एग्रीमेंट में भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका रही, और पेरिस एग्रीमेंट में जब ये तय किया गया कि दुनिया उन वैकल्पिक विषयों पर ऊर्जा उत्पादन के लिए जाए जहाँ पर पर्यावरण को सबसे कम नुकसान हो, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया, उसका भारत में केंद्र बनाया गया। और केवल भारत में केंद्र नहीं बनाया गया, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हुई है, आज दुनिया के 91 देश उसके सदस्य बन गए हैं। अगर कोई ये पूछे कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत में पर्यावरण के क्षेत्र में क्या बड़ा काम किया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 7 वर्षों के शासनकाल में जितनी ऊर्जा का उत्पादन हमारे देश में करते हैं उसका 37% उत्पादन ये वैकल्पिक ऊर्जा से होता है। ये उपलब्धि हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हासिल करी है। आज देश में 165 गीगावाट का उत्पादन वैकल्पिक ऊर्जा से हो रहा है, और दुनिया में जब ये तय किया जा रहा है कि पर्यावरण की दृष्टि से दुनिया के देश क्या लक्ष्य हासिल करेंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 450 गीगावाट के उत्पादन का लक्ष्य ये 2030 में रखा गया है, जो दुनिया के सभी देशों के लिए बड़ा अनुकरणीय है। हम अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए, हम अपने वन्य क्षेत्र को बचाने के लिए, हम अपने समुद्री तटों का जो सबसे बढ़िया स्थान है उसको बचाने में लगे हुए हैं। और इसलिए मैं कहना भी चाहूँगा कि आज भारत ये एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास 51 टाइगर रिजर्व है, और मेरे को ये बताते हुए भी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जो 51 टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें से 14 टाइगर रिजर्व्स को इंटरनेशनल एक्रीडेशन प्राप्त हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा हमारे वेटलैंड एरिया है। आज भारत की काफ़ी सारे अभी तुरंत हाल में 4 और झीलों को जो इंटरनेशनल रामासर कन्वेंशन है उसका टैग मिला है। आज भारत के जो बीचेस हैं, क्योंकि ये इलाका भी बीचेस के नज़दीक है, हमारे 2 और बीचेस को दुनिया का जो ब्लू टैग है वो भारत को उपलब्धि हासिल हुई है। हम देश में लगभग अपना 24% वन क्षेत्र को बचाने में, उसको संवर्धित करने में कामयाब हुए हैं, और इसलिए आज शहरों में जो सबसे बड़ा पर्यावरण का विषय, जो वायु प्रदूषण का विषय है, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को देश के 100 शहरों को स्वच्छ वायु का क्षेत्र करने के लिए घोषित किया था। आज पूरे देश भर में 132 शहरों में ये जो वायु को स्वच्छता को मापने के हम लोगों ने पैरामीटर बनाने के लिए यंत्र लगाए हैं, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से हम सब लोगों के वातावरण में स्वस्थ वायु मिले, इसके लिए सरकार और हमारा मंत्रालय पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और मेरा ये मानना है कि जो वातावरण की जो स्वच्छता है, पर्यावरण की जो शुद्धता है, और आने वाले समय के जो वैश्विक जलवायु के संकट है, इसको लेकर हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन उस संकट के साथ ही साथ देश के गरीब आदमी के कल्याण के लिए भी लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि दीनदयाल जी के नेतृत्व में जो ये पार्टी आज देश की शासन और सत्ता में है, ये गरीब कल्याण से लेकर विश्व कल्याण तक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य कर रही है, इसको आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। पार्टी के इन विचारों को जनता तक ले जाकर हम सतत सेवा और संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। इतना ही मैं निवेदन करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।